हेलो एवरीवन, एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 28 देखेंगे और इसमें हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, तो इसने जो है नॉर्थ ईस्ट से लेके अफ़गानिस्तान वाले रीजन तक जो है खिलजी डायनेस्टी का जो है रूल रहा। तो मैं आपको ये बताती हूँ, अगर ये डेक्कन वाला रीजन है हमारा और यहाँ पे हमारा ये पाकिस्तान है तब भारत के साथ ही था, और यहाँ पे अगर अफ़गानिस्तान है तो नॉर्थ ईस्ट तक मतलब ये वाला पूरा पोर्शन जो है खिलजी डायनेस्टी के अंडर रहा। तो उसके बाद आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो थे वो नॉन टर्क्स थे, ठीक है, नॉन टर्क्स थे, और ये केम टू इंडिया, भारत आए थे किसके टाइम पे, खुरिद इन्वेजन जब हुआ था, ठीक है, मोहम्मद गोरी के टाइम पे। तो केम टू इंडिया एट द टाइम ऑफ खुरिद इन्वेजन। उसके बाद इनको जो है मतलब इनको सोल्जर्स की तरह जो है वो एम्प्लॉयड किया जाता था, एम्प्लॉयड एज सोल्जर्स एंड नेवर बीन प्रमोटेड टू द हायर ऑफिसर्स लेवल जॉब्स। ठीक है, तो हाई ऑफिसर्स इनको कभी नहीं बनाया जाता था। ठीक है, जैसे मतलब ये सोल्जर्स अपॉइंट हुए हैं तो ये सोल्जर्स ही रहे, तो नेवर एवर प्रमोटेड टू हायर लेवल्स। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी की, जो कि इसका फर्स्ट रूलर है और जिसको जो है फाउंडर भी माना जाता है खिलजी डायनेस्टी का। तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, तो इसको फाउंडर माना जाता है खिलजी डायनेस्टी का, और ऑल नॉन टर्क्स जो थे इसको सपोर्ट करते थे, सपोर्टेड हिम, और इसने 6 साल रूल किया, और इसने जितने भी हार्श जो पनिशमेंट थी जो बालबन ने स्टार्ट की थी उसको इसने मिटिगेट कर दिया। ठीक है, ट्राइड टू मिटिगेट हार्श एस्पेक्ट्स ऑफ बालबन, मतलब कि मैंने आपको तब वहाँ पे बताया था कि जो बालबन था वो हंसता तक नहीं था, लेकिन जो लालुद्दीन ने इतना मतलब जो वो सीरियस माहौल था उसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद इसने गुडविल गेन करने की कोशिश की बाय द नोबेलिटी। ठीक है, उसके लिए इसने कुछ तरीके अपनाए, वो भी बताती हूँ अभी। तो टू गेन द गुडविल ऑफ नोबेलिटी, उसके लिए इसने क्या क्या किया, एडॉप्टेड द टॉलरेंस पॉलिसी, इसने टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया, एडॉप्शन ऑफ टॉलरेंस पॉलिसी। ठीक है, और अवॉइडिंग द हार्श पनिशमेंट्स, मैं बता चुकी हूँ आपको कि हार्श पनिशमेंट को इसने जो है अवॉइड कर दिया, मिटिगेट कर दिया, लेकिन ये पॉलिसी जो है वो ज़्यादा दिनों तक चली नहीं। और इसने एक साथ एक बात आपको और याद रखनी है, जो इसकी स्टेट थी वो एक सेकुलर स्टेट थी, ठीक है, सभी धर्मों को मानने वाली। ठीक है, और साथ ही साथ में बाद में आपको ये भी याद रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है किसके द्वारा कर दी गई, इसके ही सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है इसकी हत्या कर दी थी और ये इसका सन इन लॉ था। और ये पहले कौन था, अर्लियर ये गवर्नर था, ठीक है, अवध का। अर्लियर जो अलाउद्दीन खिलजी था वो गवर्नर था ऑफ अवध, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी को मारकर आ जाता है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने जैसे बताया ये पहले गवर्नर था, लेकिन आपने जो है ससुर को मारकर उसकी गद्दी पे बैठा था, तो इसने फेस किया रिबिलियंस क्योंकि इसने उसको मारा था, ठीक है, तो सारे इसके विरुद्ध हो गए थे, और इसी रेबल्स को इसने मतलब कि वो करने के लिए सुप्रेस करने के लिए टू सुप्रेस रेबल्स अगेंस्ट हिम, इसने क्या किया, इसने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अपनाई,
इसने सभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना मना कर दिया, बैंकेट हॉल्स में मैरिजेस को मना कर दिया। ये इसलिए करता था अलाउद्दीन खिलजी, ना ही ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हों और ना ही ये बात करे कि इसने अपने ससुर को मारकर उसी गद्दी को प्राप्त किया है। और साथ ही साथ में नो मैरिज अलायंस, कोई मैरिज अलायंस नहीं होता था इसकी परमिशन के बिना। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, पॉइंट्स हैं। तो इसने बैन कर दिया था वाइन्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स को भी। ठीक है, इसका भी यही रीजन था कि ना ही लोग इकट्ठे होकर शराब पियेंगे और ना ही जो है मेरे बारे में कॉन्स्पिरेसी करेंगे कि इसने अपने फादर इन लॉ को मारा है और अब उसकी जगह पर आके बैठा है। इन सब का रिजल्ट क्या निकला वो भी हम देख लेते हैं। तो जो ओल्ड नोबेलिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, ओल्ड नोबेलिटी डिस्ट्रॉय हो गई, और जो नई नोबेलिटी थी उसको ये अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता था, अकॉर्डिंग टू हिम, कि ये मानता था कि न्यू नोबेलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो मेरे से ना पूछे कि मैंने अपने मतलब फादर इन लॉ को क्यों मारा है, मैं उसकी सीट पे क्यों आया हूँ। ठीक है, उसके बाद हम थोड़े से रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसने जो है वो दाग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या होता है, ये ब्रांडिंग होती है हॉर्सेस की। ठीक है, और साथ ही साथ में इसने चेरा को भी इंट्रोड्यूस किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये दोनों और ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो ये क्या होता है कि सोल्जर्स को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, सोल्जर्स रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं चेरा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। और साथ ही साथ में इसकी कुछ और बातें भी देख लेते हैं हम। तो ये जो था, इसने एक बात बोली थी कि किंगशिप नोज नो किनशिप। ठीक है, ये वही वाला नहीं होता जो नेपोटिज्म होता है, ये उसके विरुद्ध था। ठीक है, इससे ये पता चलता है। और साथ ही साथ में ये पैटर्न था आर्ट एंड लर्निंग का। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। और साथ ही साथ में जो आमिर खुसरो था वो इसकी कोर्ट में, इन हिज कोर्ट, वो कौन था, म्यूजिशियन थे वो। ठीक है, और अब इसके बारे में हम क्या बात करेंगे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अंडर ही, कि वो कैसी थी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि लैंड वॉज मेजर्ड, लैंड को मापा जाने लगा। उसके बाद कुछ टैक्स लगाए गए जैसे खराज। ठीक है, तो ये लैंड टैक्स था। एक खुश था, ठीक है, वो था वॉर, वॉर से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद जजिया टैक्स लगाया जाने लगा फॉर नॉन मुस्लिम्स। और एक और था ज़कात, ये था फॉर मुस्लिम्स। तो ये तीनों आपको जो है वो याद करने हैं। और यहाँ पे ये याद रखना है, ये जो खराज वाला था ये 50% कर दिया गया था इसके द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एक और टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, वो भी देख लेते हैं। तो मुश्ता खराज, तो ये कौन होते थे, जो टैक्स कलेक्ट करता था, जो टैक्स को कलेक्ट करता था उसको ये टर्म बोली जाती थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये एस्टिमेट रखता था कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी लग गई है। ठीक है, और इसने जो है वो इंटरमीडिएटरीज को भी क्रश कर दिया था, मतलब उसकी पोजीशन को भी ख़त्म कर दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। और साथ ही साथ में इसने इक्तादारी सिस्टम को भी स्टॉप कर दिया था। तो अब हम इसकी जो है मार्केट पॉलिसी को देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसकी मार्केट पॉलिसी। ठीक है, तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें ये क्यों लाया था ये मार्केट पॉलिसीज, टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करने के लिए। ठीक है, और लार्ज आर्मी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन लार्ज आर्मी। और इसने तीन तरीके की मार्केट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश की। तो ये मार्केट्स आपको याद करनी काफ़ी ज़रूरी है, और दिल्ली में। ठीक है, एट दिल्ली,
तो पहली कौन सी थी, फूड मार्केट, फूड ग्रेन्स की मार्केट। दूसरी कौन सी थी, कॉस्टली क्लोथ्स, महंगे कपड़ों की मार्केट, और स्लेव्स भी बिका करते थे यहाँ पे। और तीसरी आपके पास आ जाती है हॉर्सेस की, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो ये मार्केट सिस्टम था, इसको जो कंट्रोल करता था, ठीक है, उसको क्या बोला जाता था, शाहना, अंडर कंट्रोल ऑफ हाई ऑफिसर, ठीक है, उस ऑफिसर को बोला जाता था शाहना, ठीक है। अब 1302 से लेकर 1306 तक, क्योंकि मार्केट पॉलिसीज को इसने अपनाया था, इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी ही नहीं, ठीक है। और ये भी बात याद रखनी है आपको कि इसने फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेडर्स भी दे रखी थी काफ़ी सारी, जो बंजारज नहीं होते थे उनके लिए, ठीक है। तो मैनी फैसिलिटीज़ वर अवेलेबल फॉर ट्रेडर्स, ठीक है। उसके बाद अब हम थोड़े सी बात कर लेते हैं इसके गुड इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर की, जिसके मतलब इसको जो है क्या बोला जाता था, शाहनाए मंडी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया शाहना किसको बोला जाता था, ऐसे ऑफिसर जो उस मार्केट को कंट्रोल किया करते थे। अब शाहनाए मंडी के आते थे जो इसको इंटेलिजेंसली एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, जो इसकी इंस्पेक्शन करते थे, ठीक है, जो मंडीज़ की इंस्पेक्शन करते थे, मार्केट को डायरेक्टली इंस्पेक्ट करते थे वो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसने एक मतलब एक मिनट मान ही यान तो ये कौन थे, ये इसने स्पाइस छोड़ रखे थे मार्केट में, इसने माई स्पाइस छोड़ रखे थे मार्केट में चेक करने के लिए कि शाहने मंडी जो है वो सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन की, बस थोड़ा सा ही रह गया इसके बारे में। तो कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द खिलजी, इसमें क्या क्या आ जाता है, तो पहला जो है आपके पास आ जाता है वो है अलाय दरवाज़ा, और इसको जो है वो सेकंड ट्रू आर्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। और आपको पता है ना आर्क किस फॉर्म में होती है, ऐसे, तो हॉर्स के शू की तरह होती है इसकी शेप, ठीक है। और साथ ही साथ में एक और चीज़ भी इसने बिल्ट करवाई, जमात खाना मोस्क, ठीक है। और ये किस उसमें थी, स्टाइल में, इस्लामिक स्टाइल में थी ये। एक इसने बनवाया सीरी फोर्ट, एक इसने बनवाई अलाई मीनार, लेकिन ये कंप्लीट नहीं करवाई, ठीक है, ये इनकम्प्लीट थी। और एक इसने बनवाया होजे अलाई, ठीक है। ये वाला जो था ना, ये वाला तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, लेकिन बाद में जाके फिरोज शाह तुगलक ने जो है उसको रीबिल्ट करवा दिया एज अ होज खास, ठीक है। तो ये रीबिल्ट बाय द फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आमिर खुसरो की, तो ये वाला लेक्चर यहीं तक था। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।